অভিভাবকসকল সকলকে আমি অভিনন্দন আৰু শ্রদ্ধা জনাইছো বিশেষকৈ যিসকল প্রতিযোগী আহিছে এই প্রতিযোগীসকলেই আমার নতুন প্রজন্ম আর এই প্রজন্মক আমি সুন্দর রূপত গড় দি মানুষ হবলে আমি যে প্রশিক্ষণ দিবর কারণে খেলকে আমি অনুগত করছো সকল প্রশিক্ষার্থী আর যখন অভিভাবক অভিভাবিকা আর খেলোয়ে আমার ইয়াত উপস্থিত হয়েছে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আশা রাখিছো এই তিনটা দিনে আপনাদের সহযোগিতা আগবাব আর প্রতিটি ইভেন্টত যাতে কৃতকার্যতরে খেলোয়াড়সকলে খেল প্রদর্শন করবেন তার দায়িত্ব আপনাদের মূর পাতি লব আর যরণে বিভিন্ন রাজ্যের অহা আমার যখন প্রতিযোগী আছে যরণে যদি যেনকে থাকবলে সুযোগ আপনাদের লাভ করেছে সেই ধরনের থাকিব के बारे में मैं नागालैंड कुंग फू एसोसिएशन का ग्रैंड मास्टर शिपो जेंटो सर को धन्यवाद देता हूँ और सारे उनका टीम नागालैंड कुंग फू एसोसिएशन का टीम को भी धन्यवाद करता हूँ और नॉर्थ ईस्ट की सारे वासियों को भी मेरी तरफ से धन्यवाद और मुझे यहाँ आने में बहुत अच्छा लगा और खेल के प्रति यहाँ काफ़ी ज़्यादा उत्साह है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कुंग फू एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जो सिर्फ खेल के रूप में स्पोर्ट्स के अंदर में ये एक जगह बना रहा है अभी भारत के अंदर में 1962 से लेकर कुंग फू आया है भारत में पर आज खेल के रूप में कोई जगह नहीं बना पाया ऑल इंडिया कुंग फू फेडरेशन एक ऐसा संस्था है जो खेल के रूप में युवाओं को आगे लाने के लिए भारत का हर राज्य में काम कर रही है काफ़ी ज़ोर शोर से आज ऑल इंडिया कुंग फू फेडरेशन सबसे टॉप लिस्ट पर है और कुंग फू को लेके ज़्यादा चिंतित है हम चाहते हैं कि हर एक राज्य से कुंग फू के लिए बच्चे लोग खेलें और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे अपना एक प्रदर्शन करें और देश के लिए खेलें और ऑल इंडिया कुंग फू फेडरेशन की तरफ से हाल ही में अभी 2020 में हम लोग स्कूल गेम फेडरेशन के अंडर में गेम इम्प्रूव कर रहा हूँ CBC में भी गेम इम्प्रूव करा रहा हूँ और खेलो इंडिया खेलों में भी कुंग फू 2020 में आ जाएगा और ये हमारा पूरा प्रक्रिया चालू है और साथ ही में 2020 में मई में सेकेंड साउथ एशिया कुंग फू चैम्पियनशिप भूटान में होने जा रहा है और जिसमें 7 कंट्री को बुलाया गया है 7 कंट्री इसमें भाग लेंगे और 7 कंट्री की पूरी तरह से तैयारी हो गया है और भारत की तरफ से नेतृत्व करने वाले सिपू नारायण सर दक्षिण भारत की तरफ सॉरी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से कर रहा हूँ और साउथ की तरफ से MJ दिलीप है और हर एक अपने अपने जोनल से 7, 8, 9 जोनल से खिलाड़ियों को सिलेक्शन करके राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेके जा रहा है और हम लोग पिछले 15 सालों से ये स्कूल गेम के लिए स्पोर्ट्स के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और ये सक्सेसफुल आज हो रहा है ओके थैंक यू धन्यवाद सभापति श्रीमणि नाम बड़ा डांगरिया देवे सहयोग समितर विषय आगे অল ইন্ডিয়া কুং ফু ফেডারেশনের যখন পতাকা সেইখন উত্তোলন করবলে আমার অল ইন্ডিয়া কুং ফু ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট গ্র্যান্ড মাস্টার লামা স্যারক অনুরোধ করা হল তেখেতক আগবাই নিব আমার রফিক প্রেসিডেন্ট শর্মাই বুড়াগোঁহাই দেবে অলপ সহযোগ করব সকলে Thank you.
ইন্টারন্যাশনাল কুংফু এন্ড কিকবক্সিং এসোসিয়েশনৰ পতাকাখন আমাৰ শ্ৰী নয়ন সিং স্যাৰক উত্তোলন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হ'ল। চেম্পিয়নশ্বিপত ভাগ লবলৈ অহা মোৰ আটাইতকৈ শ্ৰদ্ধাৰ খেলুৱৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক নোহোৱা হলে আমিবোৰ বিগ জিৰ' হলোহেঁতেন। তোমালোক আমাৰ ধৰণি, সেইবাবে ইয়াত যে খেলুৱৈসকলে কিক বক্সিঙত আটাইতকৈ মোৰ ভয় লগা যিহেতু এটেম্পটো ফেচ হয়, ইমান সাহসিক গেম যে খেলিবলৈ আহিছে সেয়ে ring number 1 Oh,